करनाल में चोरी का एक मामला सामने आया, जहां पर मामला सराफा बाजार का है। एक महिला सराफा बाजार में सराफ की दुकान से सामान खरीदने के लिए स्कूटी पर आई थी, और जैसे ही महिला ने सराफ की दुकान के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की, तभी अचानक पीछे से एक शातिर चोर ने महिला की स्कूटी से शातिराना तरीके से डिक्की खोलकर आसानी से महिला का पर्स चुराया और मौके से फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मामले की जांच जारी है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। स्कूटी की डिक्की से पर्स चुराया गया और सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी वारदात। सराफा बाजार में महिला का पर्स साफ कर लिया गया, यानी कि बड़े ही सफाई से स्कूटी की डिग्गी से पर्स चुरा लिया गया। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी वारदात। चौक की आज वारदात है। एक लेडीज आती है कि ज्वेलर्स की दुकान पे जाती है, तो उसको किसी ने बताया कि आपकी टिक्की खुली पड़ी है। वो एकदम भागे आगे देखती है, उसमें पर्स नहीं था, और वो उसके पीछे भागती है। कोई कैब डाली हुई थी जो हमने कैमरे में देखा है, और ये वारदात है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि सराफा बाजार में सीसीटीवी लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे सराफ लोग हैं और अच्छा व्यापार होता है, जिससे ये नुकसान हो। सराफा बाजार में अपना एक लेडीज के एक्टिवा से कोई पर्स लेके भाग गया है, उससे हम तुरंत पहुंचे हैं और यहाँ पे अपना उससे कंप्लेंट हो गया। तो सीसीटीवी में साफ कैद हुआ है, उसमें अभी उसके फेस साफ नजर नहीं आ रहा।